दोस्तों यहाँ पर आपको कड़ा सा पेपर ले लेना होगा, जैसे यहाँ पर मैंने ले लिया है। इसका मैं एक टुकड़ा बना ले रहा हूँ छोटा सा 15 सेंटीमीटर का, और इसमें मैं 6 जगह एक एक सेंटीमीटर का गैप दे करके मार्क लगा दे रहा हूँ। उसके बाद में मैं लाइन खींच करके मैं इसको 6 पार्ट में काट दे रहा हूँ। यहाँ पर मैंने 6 टुकड़े काट लिया हूँ, और अब मैं इनको एक के ऊपर एक प्लस की तरह चिपका दे रहा हूँ फेविकोल की मदद से। आगे का प्रोसेस आप देखते रहिए। यहाँ पर मैं स्टील कलर की तरह एक पन्नी को चिपका दे रहा हूँ ताकि यह प्रोजेक्ट देखने में बहुत अच्छा लगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा लग रहा है। दोस्तों आपको इसके बीचों बीच एक होल कर लेना होगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने कर लिया है। दोस्तों यहाँ पर मैंने रिफिल का छोटा सा टुकड़ा काट लिया, आप कोई भी स्टिक का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कार्डबोर्ड का टुकड़ा ले लेना होगा, और यहाँ पर आपको 2 सर्कल ड्रॉ बना लेने होंगे इस तरह से गोल साइज के, और इनको कट कर लेना होगा, जैसे कि यहाँ पर मैं कट कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर कार्डबोर्ड के इस छोटे से टुकड़े को फेविक्विक की मदद से रिफिल के छोटे से टुकड़े को चिपका दे रहा हूँ। तो आपको भी इसी तरह से बना लेना होगा इस तरह से, और आपको यहाँ पर इस होल के अंदर स्टिक को घुसा देना होगा। यहाँ पर मैं दूसरा गोल साइज का कार्डबोर्ड का टुकड़ा ले लिया हूँ, और इसको भी मैं इसके अंदर चिपका दे रहा हूँ होल में। आपको इस तरह से चिपका देना होगा। दोस्तों अब यहाँ पर ये पेपर स्पाइमर बनकर तैयार हो चुका है। दोस्तों ये इसको घुमाने पर ये बहुत तेज़ी से घूमता है। दोस्तों ये पेपर का है, लेकिन ये बहुत तेज़ घूमता है। दोस्तों इसको घुमाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। आप इसको आसानी से इस तरह से बना सकते हैं। दोस्तों सेकंड एक्सपेरिमेंट के लिए यहाँ पर आपको एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा लेना होगा, और इसमें 3 सेंटीमीटर का गोल सर्कल बना करके उसको कट कर लेना होगा, जैसे कि मैं यहाँ पर कट कर ले रहा हूँ। यहाँ पर मैं प्राइमिंग के लिए इस स्टील कलर की पन्नी को मैं इसके ऊपर चिपका दे रहा हूँ, लगा दे रहा हूँ। आप इस तरह से लगा सकते हैं, या नहीं लगाएं फिर भी कोई बात नहीं। दोस्तों ये आपको इस तरह का दिखता है, और इसके बीचों बीच आपको 2 होल कर लेने होंगे, जैसे कि यहाँ मैंने 2 होल कर लिए हैं। आप इस तरह से होल कर सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर धागा लेना होगा, और धागे को दोनों होल्स में डाल देना होगा, और फिर गांठ बांध देनी होगी, जैसे कि यहाँ पर मैं बांध दे रहा हूँ। आप आगे आप देखते रहिए।